अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज अभी मैं सोकर उठा हूँ और बहुत थकन हो गई थी, तो हमने रात में मैं सो गया था। तो अभी आप बैक साइड पे देख सकते हो कि कितना खूबसूरत मंजर है। तो अभी हम नीचे जाएंगे, फटाफट नाश्ता करेंगे, उसके बाद नाश्ते के बाद अभी हम सवात में ही है, उसके बाद सवात के बाद शायद हम लोग कहीं और जाएँ। मैं आपको बता देता हूँ हम लोग कहाँ जाएँगे। तो अभी हानिया बोरी हानिया भी रेडी हो रही है, तो फटाफट हानिया रेडी हो। तो दोस्तों हम नाश्ता करने वाले हैं और सामने ही होटल है, मैं सामने होटल दिखाता हूँ। बोरा होटल बैक साइड पर, ये हमारा होटल है, ये मतलब रूम से दिखता है हमारा होटल बोरा सामने। अभी हम वहीं पर जाके नाश्ता करेंगे। तो दोस्तों यहाँ हानिया खड़ी हुई है। हानिया तुम रेडी हो गई? हाँ। तो मैं व्लॉग बना रहा हूँ, तो सोई नहीं तुम, नींद पूरी नहीं करी तुमने? कर ली थी। तो ये बैक साइड पे क्या देख रही हो तुम? ये तो मैं दोस्तों को दिखा दूँ, ये कितना खूबसूरत मंजर है। ये देखें दोस्तों, ये पूरा वहाँ तक जा रहा है, मतलब कितना खूबसूरत मंजर है। यहाँ पे घर बना है और होटल है हमारा, और यहाँ पे नाश्ता करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा होटल है और यहाँ पर हम करेंगे नाश्ता, सही है, वो होटल है हमारा। तो दोस्तों अभी जैसे कि हानिया ने आपको जूम करके दिखाया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली जो पहाड़ी है दोस्तों, इसके ऊपर है बर्फ़, थोड़ी थोड़ी बर्फ़ आपको अगर दिख रही होगी तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको दिख नहीं रही। तो यहाँ इनके ऊपर बर्फ़ जमी होती है, तो वो पानी जो है ना, बर्फ़ जो है वो पिघले पिघल के यहाँ पर आता है पानी, और पानी बहुत ठंडा होता है, यक ठंडा पानी होता है। तो दोस्तों अभी जब हम जहाँ पर जाएंगे वहाँ पे 4 सेंटीग्रेड है, और हम जाएंगे मालम जब्बा पहले जाएंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाएंगे। लेकिन अभी जो जाएंगे वो मालम जब्बा जाएंगे, वहाँ पे 4 सेंटीग्रेड है और वहाँ पे बर्फ़बारी भी हो रही है। अभी मैंने गूगल पे सर्च करके देखा था, तो वहाँ पे बर्फ़बारी दिख रही है। तो अभी आप देख सकते हो पूरा कितना खूबसूरत है। तो अभी सिर्फ नाश्ते की वेट हो रहा है, नाश्ता आ जाए फटाफट, उसके बाद नाश्ता करते हैं, चलता है। अभी हम भूल गए थे दिखाना, तो ये मेरा पराठा है, ये अंडा है, मेरा अंडा फल है, पराठा और सबका नाश्ता। ये अलग टेबल पे है, ये अलग टेबल पे और वो अलग टेबल पे, ये सब हमारा नाश्ता है, और एक अंडा भी है। तो ये देखें पूरे बादल हैं यहाँ पर, ठीक है, और काली घटा छा चुकी है, अब शायद यहाँ पर बारिश का इम्कान है। तो दोस्तों सबने नाश्ता वगैरह कर लिया है, ठीक है, और यहाँ पर मौसम बड़ा खूबसूरत हो चुका है, और यहाँ पे बारिश का भी इम्कान है। मैं आपको मौसम दिखाता हूँ, ये देखें, ये मौसम देखें आप, पूरा मौसम। तो अभी मतलब यहाँ पर बादल वगैरह भी छाए हुए हैं और बारिश का भी इम्कान है, तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर, और हमने नाश्ता वास्ता कर लिया। तो अभी हम फटाफट गाड़ी में बैठते हैं, अपनी गाड़ी में बैठेंगे, फिर जाएंगे हम लोग मालम जब्बा, वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ की लोकेशंस, कि कितनी प्यारी प्यारी लोकेशंस है वहाँ पर। चले फटाफट अपने गाड़ी में बैठते हैं। दोस्तों अभी पहाड़ों के चढ़ रहे हैं, ये देखिए आप, अम्मी तो डर रही है और हानिया ही बैठी हुई, पाकिस्तान के पास पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, और डर लग रहा है, फर्स्ट टाइम पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं। तो दोस्तों मैं फाइनली मालम जब्बा पर पहुँच गया हूँ, और मेरे पीछे आप देख सकते हो कितनी बर्फ़ है, और पीछे बहुत खूबसूरत है, और इसको ग्रीन विलेज भी कहते हैं, और वाइट पहाड़ी भी कहते हैं इसको, ये वाइट पहाड़ी है बेसिकली। और देखो मैं पूरा टोप वोपा पहना हुआ है, ये मेरे शूज़ हैं, मैं आपको अपने शूज़ दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने कितने मोटे ये शूज़ पहने हैं, देखें कितने मोटे शूज़ हैं मेरे। ये देखें दोस्तों, ये है यहाँ पे पेड़ हैं, और ये वाइट पहाड़ कहलाते हैं बेसिकली, ये कितना खूबसूरत मंजर है, और यहाँ पे ठंड भी बहुत हो रही है, और ये देखें बर्फ़, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। दोस्तों अभी हम गाड़ी में बैठेंगे, फिर गाड़ी में बैठकर अभी आगे जाएंगे, अभी देखते हैं कहाँ जाते हैं आगे, यहाँ पे भी बहुत सारी जगह है। तो दोस्तों अभी जो हम यहाँ पर आ चुके हैं, आप पीछे बैक साइड पर देख सकते हो, और बर्फ़ आप देख सकते हो, ठंडी देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, और हानिया बर्फ़ से खेल ली है। हानिया नहीं करो, बहुत ज़ोर से लग रही है, तो हानिया को बहुत मज़ा आ रहा है, हानिया देख के चलो। और अभी आप देख सकते हो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, और फुल ठंड हो रही है यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों मेरे बैक साइड पे ग्रीनरी है, और यहाँ पे बर्फ़ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, और ये बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, और जहाँ पर हम आए हुए हैं वो पहाड़ी का मस्कम 5000 मतलब ऊपर है, मतलब फुट 5000 फिट ऊपर है, और बहुत मज़ा आ रहा है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ वगैरह पूरा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ बुलंदी की तरफ, और बैक साइड में मेरी फैमिली है, और ये रही हानिया, हानिया मज़ा आ रहा है, ठंड कितनी हो रही है, ठंड कितनी हो रही है, ऐसी ऐसी तो हानिया तो बिल्कुल मस्त है बर्फ़ खेलने में। और ये देखो यहाँ पे भी बर्फ़ है, तो बहुत मज़ा आ रहा है।
ये देखें दोस्तों पूरा, और यहाँ पे रेड जाली इसलिए लगाई दी क्योंकि यहाँ पे स्केटिंग लोग करते हैं, तो इस तरह जहाँ पे इसलिए लगाई दी लोग स्केटिंग करते हैं, और वो यहाँ पे चेयर लिफ्ट भी है, मैं आपको चेयर लिफ्ट भी दिखाऊंगा बाद में। तो अभी तो हम लोग यहीं पर घूम रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं अभी वहीं से चढ़ते हुए आ रहा हूँ और अभी यहाँ पर पहुँचा हूँ, देख कितना ऊपर था ये। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको दिखाया मैं ऊपर चढ़ते पा रहा हूँ और बहुत यहाँ पे मतलब कांपते पा रहा हूँ पूरा, और मतलब सांस फूल ली है मेरी। ये देखें पूरा बैक साइड। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, गोरी चेयर लिफ्ट दिख रही है आपको पीछे से, वो चेयर लिफ्ट है, बैक कैमरा करके दिखा। दोस्तों ये है चेयर लिफ्ट, बहुत ऊपर है तो इसलिए मैंने जूम करके दिखाई है आपको। तो दोस्तों अभी मैं ऊपर ही जा रहा हूँ, देखें ऊपर साइड पे जा रहा हूँ और यहाँ से मैं चढ़ रहा हूँ, और देखें अभी ये घर बने हुए छोटे छोटे, तो अभी और ऊपर जाना है मुझे, मैं कम से कम वहाँ तक जाऊँगा उस गेट तक, उसके बाद ऊपर से व्यू लूँगा। ये देखें दोस्तों बड़ा VIP व्यू, आप बस व्यू चेक करें, ये देखें इतना खूबसूरत व्यू है। दोस्तों मैं इसलिए चढ़ा ताकि आपको व्यू दिखा सकूँ, ये देखें पीछे देखें कितना खूबसूरत है, पेड़ वगैरह बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। थोड़ी थोड़ी बहुत ठंड भी हो रही है, मैंने टोपा उतार दिया था, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, यहाँ पे गर्मी आ रही थी, लेकिन आप चेक करें आप कितना प्यारा है। और दोस्तों वो मेरी मामा है, ये मेरी मामा आ रही हैं, मामा थक चुकी हैं और हानिया भी है, तो देखें ये आ रहे हैं लोग ऊपर चढ़ते हुए। अभी मैं यहीं पर बैठा हूँ, नीचे लेटा हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। देखिए दोस्तों अभी हानिया भी आ रही है, फटाफट आओ बैठ के बना रहा हूँ मतलब। ये रही हानिया, वो जूते पर भाग बर्फ चढ़ी गई जूते पर बर्फ, ये आ गई बोरी दोस्तों आ गया बारह बंदा। तो तुम्हें उर्दू आती है तुम्हें? ये दोस्तों बच्चा मिला है मुझे और माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, इसके अखलाक भी बहुत अच्छा है, तो ये यहीं पर रहता है। तो यहाँ पर कितना टाइम हो गया तुम्हें रहेगा? कितना टाइम हो गया तुम्हें? दो घंटे से तुम यहाँ पर हो, तो ये दो घंटे से अभी यहाँ पर। मैंने तुमसे ये पूछा था कितना टाइम हो गया तुम्हें, मतलब कितने साल से रह रहे हो यहाँ पर? तीन साल से रह रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है लड़के? रियानुल्ला नाम है बच्चे का, बहुत अच्छा बच्चा है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ठंड हो चुकी है और अभी मैंने ग्लव्स पहन लिए, तो बहुत सर्दी हो गई थी, और हानिया तो फुल मस्त खेल रही है। क्या कर रही है हानिया? गुलाब बना दिया भाई, और बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे, तो बहुत मज़ा भी आ रहा है। सबसे अच्छी जगह बोल तो यही लगी यार, बहुत खूबसूरत है मतलब। तो दोस्तों अभी हम लोग मालम जब्बा के अंदर है और बहुत खूबसूरत मंदिर है ये, तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। और मेरा व्लॉग खत्म करने का फील ही नहीं चाह रहा, और अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं और 3 बजते फिर बार देखते क्या। तो दोस्तों अभी हम लोग मालम जब्बा के अंदर ही मौजूद है और अभी आप पीछे देख सकते हो बर्फबारी, और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, और मेरा व्लॉग खत्म करने का दिल ही नहीं चाह रहा। तो अभी मालम जब्बा के अंदर ही है और अभी देखते हैं व्लॉग कब तक एंड होता है, और अभी तो बहुत हंसी हंसी यहाँ पे व्यूज़ हैं जो मैंने आपको दिखाए, यकीन है आपको पसंद आए होंगे वो व्यूज़, और मतलब वो व्यू और बहुत सारी चीज़ें वगैरह बहुत अच्छा है ये। तो दोस्तों अभी हम मालम जब्बा के अंदर हैं और अभी यहाँ पे बहुत ठंड मतलब हो रही है, नॉर्मल ठंड है, कोई इतनी मसले नहीं है। असल में जो कराची की जो सर्दी होती है ना दोस्तों वो चुपती है, लेकिन यहाँ की सर्दी में नमी है और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ की सर्दी में, मतलब सर्दी लगी नहीं रही, मतलब हम लोग बर्फबारी में बैठे हुए हैं खेल रहे हैं बर्फ़ से, और अभी तक बाद में बर्फ़ भी है पूरी तरह, हम लोग खेल रहे हैं इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन कोई हम लोग को मतलब ठंड वंड नहीं लग रही, तो ये सारा सीन है, और बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर ग्रीनरी भी बहुत अच्छी है, मतलब सब बहुत अच्छा है, मतलब मालम जब्बा बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब बहुत VIP यहाँ पे ना, मतलब व्यूज़ हैं, और मैंने आपको भी सारी चीज़ें दिखाई हैं A to Z, तो यकीनन आपको अच्छी लगी होंगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे व्यू, बहुत हसीन व्यू है, और मेरा ब्लॉग ख़त्म करने का दिल ही नहीं चाह रहा, पता नहीं जाओगे मुझे, मैं ब्लॉग ख़त्म ही नहीं कर रहा, और यहाँ पर मुझे स्लिप भी हो रहे हैं, लेकिन मज़ा आ रहा है, एक अलग ही मज़ा है मालम जब्बा का, बहुत अलग ही मज़ा है। और ये नहीं मेरी छुट्टी आ रही पहाड़ी हो रही है लेकिन हानिया एक बात है, अब ठंड नहीं लग रही है मैं बिल्कुल, मैं बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही, कराची की जो है ना वो ठंड लगती है, तो बहुत मज़ा आ रहा है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और ये अबे हानिया, हाँ ओए गिर, पैर स्लिप हो गया, लगी तो नहीं हानिया,